Annyeong haseyo. Hi guys. Welcome to our second episode of Coffee with Korea. इस शो में हम आपके लिए लेकर आते हैं कुछ गॉसिप्स, कुछ कंट्रोवर्सीज, कुछ ट्रेंडिंग, कुछ ज्ञान की बातें और बहुत सारी मस्ती और फन। तो देर किस बात की, आप भी होइए ना हमारी कश्ती पर सवार अगर आपको भी है के ड्रामा इंडस्ट्री से प्यार। पहले कि हम अपने शो की शुरुआत करें, सबसे पहले चलते हैं अपनी के पाठशाला की तरफ। प्रियांशा, आज कौन सा नया शब्द सिखाने वाले हैं हम, क्या तुम्हें पता है? नहीं, मुझे तो बिल्कुल नहीं पता। तो जो भी हम नया शब्द सिखाने वाले हैं वो तो मैं आपको थोड़ी देर में सिखाऊंगी ही, लेकिन पिछले हफ्ते हमने आपसे पूछा था कि कोरिया को कोरियन लैंग्वेज में क्या कहते हैं, तुमको पता है? नहीं, मुझे तो नहीं पता। फिलहाल हमने आपको पिछले हफ्ते चार ऑप्शंस दिए थे, जिसने सही बताया उसके लिए झारसेओ। यस, इसका मतलब होता है वेल डन। और जो नहीं जानते उनके लिए बता दें कि कोरिया को कोरियन लैंग्वेज में बोलते हैं हांगुक। जी हाँ, हांगुक। अब समझ आया तुमको क्या बोलते हैं? हांगुक। यस, हांगुक। चलो गाइज, आई थिंक इट्स टाइम नाउ और हमें ये शो शुरू कर देना चाहिए। लेट्स स्टार्ट। नहीं नहीं नहीं, एक मिनट। हम ये भूल गए कि हमें इन लोगों को एक नया शब्द सिखाना है। कौन सा शब्द मैम? तुम्हें याद नहीं आज हम लोग क्या सिखाने वाले हैं? तो हम, मैं आपको बताती हूँ, आज हम आपको सिखाने वाले हैं सर, यानी कि टीचर। तो क्या आप जानते हैं कोरियन लैंग्वेज में सर को क्या कहते हैं? एनी गेसेस? बहुत सारे रोमांटिक के ड्रामा में आपने शब्द को सुना होगा। मैंने रोमांटिक के ड्रामास तो बहुत देखे हैं, पर ये शब्द शायद मिस हो गया है। सॉन सैनिम, याद आया? ओह, ओके, सॉन सैनिम। अब आपको याद आया कि सॉन सैनिम ही वो शब्द है जो बहुत सारे कोरियन ड्रामा में इस्तेमाल किया जाता है। ओके, नाइस इन्फॉर्मेशन मैम। यस, अब भूलना मत। खैर, अब आगे बढ़ते हैं और चलते हैं अपने अगले सेगमेंट की तरफ, जिसका नाम है के ट्रेंडिंग। दैट्स राइट। इस बार इस सेगमेंट में हम एक नहीं बल्कि दो लोगों की बात करेंगे, एक कैप्टिवेटिंग द किंग की हीरोइन और दूसरी ब्लैक पिंक की जिसो। सो फ्रेंड्स, इस हफ्ते ट्रेंडिंग में है नेटफ्लिक्स की नई सीरीज कैप्टिवेटिंग द किंग, टीवीएन का नया वीकेंड ड्रामा जिसमें काफी हाई प्रोफाइल स्टार कास्ट को लिया गया है। मेरी वॉच लिस्ट में है, मैंने देखना शुरू कर दिया है। बाय द वे, मैं तीसरे एपिसोड पर हूँ। सो इस एपिसोड में क्या है और क्यों है ये ट्रेंडिंग में, चलिए ये बताते हैं आपको। कैप्टिवेटिंग द किंग में जो जंग सुक और शिन से क्योन लीड रोल में दिखाई दिए, लेकिन शो शुरू होने के कुछ एपिसोड के बाद ही व्यूअर्स डिवाइडेड दिखे, इन पर्टिकुलर ओवर द फीमेल लीड्स कैरेक्टर। दरअसल शो की कहानी कुछ ऐसे मोड पर पहुंच जाती है जहां पर फीमेल लीड शिन को अपना हुलिया बदलकर एक मेल लुक अपनाना पड़ता है, बट क्रिटिक्स ने के ड्रामा के इस ड्रामे को पॉइंट आउट करना शुरू कर दिया है। वजह थी फीमेल लीड का फुल मेकअप वाला मेल लुक। मेकर्स को लगा कि शिन को लड़कों वाले कपड़े पहनाकर वो उन्हें मेल लुक दे देंगे, लेकिन यहाँ पर वो गलती कर गए। लड़कों वाले कपड़े तो पहना दिए, लेकिन शिन के ग्लोइंग फेस, उनकी सिल्की स्मूथ स्किन, परफेक्टली मेड आईब्रोज और तो और उनके रेड पिंक ग्लॉसी लिप्स, इन सब को बदलना भूल गए। यही वजह है कि व्यूअर्स को ये बात हजम नहीं हुई। अब खुद ही आप सोचिए, जब आप व्यूअर्स को कंफ्यूज नहीं कर पा रहे हैं तो आप कहानी को कैसे जस्टिफाई करेंगे? आपको पता है, शिन के डिस्गाइज लुक को ठीक से ना दिखा पाने के चक्कर में मेकर्स पर उंगलियां तक उठने लगी है। यही तो वजह है कि कैप्टिवेटिंग द किंग आजकल इतना ट्रेंड कर रही है। अगर तुमने नहीं देखा तो तुम्हें बता दूं कि एक्चुअली यही केस है। जब मैं उसके फर्स्ट एपिसोड में गई तो जब मैंने उसका लुक देखा तो मैंने कहा, अरे ये तो मैं तो उसको पहचानती हूँ, कैसा मेकअप किया है इन्होंने यार। सीरियसली मतलब तुम बिलीव नहीं करोगी, मेकअप ऐसा था कि तुम डिस्गाइज्ड जो वो गर्ल है उसको तुम पता लगा सकती हो कि लड़की है लड़का नहीं है। दैट्स रियली सैड। साउथ कोरिया तो मेकअप के लिए जाना जाता है एक्चुअली, बट उन्होंने लड़की की खूबसूरती को दिखाने के चक्कर में उसे ऐसा लुक दे दिया कि वो डिस्गाइज्ड लुक लग ही नहीं रहा है। ओह, दैट्स रियली सैड गाइस।
वैसे एक बात बताऊं, आजकल तो ट्रेंडिंग में वो ब्लैक पिंक की जिस्सो है ना, तुम जानती हो? हाँ। उनके गाने सुने हैं? हाँ। आजकल वो भी बहुत ट्रेंडिंग में है। पर क्यों, ऐसा क्यों? ये मैं नहीं बताऊंगी, ये बताएगी हमारी ये स्टोरी। देखो, ब्लैक पिंक की जिस्सो कार्टियर ट्रिनिटी इवेंट के लिए पेरिस पहुंची, जहां पर उनके पहुंचने से पहले ही होटल में उनके स्वागत के लिए पहले से ही गिफ्ट्स लाकर रख दिए गए थे। जिस्सो ने बकायदा इसकी फोटोज भी इंस्टाग्राम पर शेयर की हैं। शाम को इवेंट के दौरान जिस्सो अपीयर्ड इन अ सिंपल येट एलिगेंट ब्लैक ऑफ शोल्डर ड्रेस क्लब्ड विद कार्टियर ज्वेलरी। ब्लैक ड्रेस और उनकी डार्जलिंग ज्वेलरी का कॉम्बिनेशन इतना अच्छा था कि उनके लुक्स पर सबकी नजरें आकर टिक गईं। बताया गया कि पेरिस में की गई ट्रिनिटी का ये 100th एनिवर्सरी सेलिब्रेशन था, जिसके लिए जिस्सो को इनवाइट किया गया था। अच्छा, तो इसी वजह से पेरिस में जिस्सो आजकल ट्रेंड कर रही है? हाँ, उसी वजह से ट्रेंड कर रही है। और उसकी वो ड्रेस जो है, जो ऑफ शोल्डर उसने पहना हुआ है, उसकी वजह से लोगों को ज्यादा ट्रेंडिंग में आ गई है वो। अरे हाँ, पेरिस से मुझे याद आया, ये अपनी लीजा का क्या सीन है भाई? लीजा? लीजा तो आजकल डेटिंग शेटिंग के चक्कर में है। तुम्हें पता है उसका बॉयफ्रेंड कौन है? नहीं 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 ना, मैं बताती हूँ। उसका बॉयफ्रेंड है लुई विटॉन का सीईओ। नाम मैं उसका बाद में रिवील करूंगी। सूत्रों की माने तो इन दिनों लीजा अपना काफी समय फ्रांस में बिताती है। वजह है उनका फ्रेंच बॉयफ्रेंड फ्रेडरिक एर्नॉल्ट। लेकिन इस बार वो फ्रांस नहीं बल्कि अमेरिका में डेट करने पहुंची, जहां वो देखी गई फ्रेडरिक की भाभी के साथ। हालांकि फ्रेडरिक भी साथ ही थे, लेकिन कंट्रोवर्सी से बचने के लिए वो और उनके बड़े भाई दोनों ही इन दोनों लड़कियों से अलग हटकर चल रहे थे। लेकिन कैमरे की नजरों से कोई बच पाया है जो ये दोनों बच पाते? किसी ने इनका वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। खैर, उसके बॉयफ्रेंड से तो मैं तुमको मिलवाऊंगी, मुझे हंसी आ रही है इसलिए क्योंकि तुमको उसका बॉयफ्रेंड नहीं पता है। ब्लैक पिंक की लीजा की चोरी एक बार फिर से पकड़ी गई है इसी चक्कर में। जानती हो क्यों? क्यों? क्योंकि वो पहुंच गई है अमेरिका, और अमेरिका में क्या कर रही है ये देखो। क्या मैम, अभी कहां से लाती है इतनी गॉसिप्स? अरे मेरा तो पूरा दिन के ड्रामा में ही जाता है, और ऊपर से कोरियन लैंग्वेज सीख रही हूँ तो मुझे और मजा आता है सारी चीजें देख के। सूत्रों की माने तो लीजा वहाँ फ्रेडरिक के फैमिली की ही किसी ब्रांड को प्रमोट करने पहुंची थी। हालांकि हम इस बात से इत्तेफाक नहीं रखते, ये तो सिर्फ अपने रिश्ते को छिपाने का एक बहाना है। पिछले कई महीनों से लीजा फ्रेडरिक के साथ इन फ्रांस एंड आउटसाइड फ्रांस भी कई बार देखी गई है। Do you know कि ये दोनों कई बार कई इवेंट्स में साथ भी देखे गए हैं? हाँ, मुझे मालूम है। तो कभी एयरपोर्ट पर और कभी रेस्टोरेंट्स में। एंड ऑल्सो इफ आई एम नॉट रॉन्ग, पिछले साल सितंबर में फ्रेडरिक लीजा के पेरेंट्स से भी मिला था। मुझे मालूम है, फ्रेडरिक लीजा के पेरेंट्स के साथ बाहर डिनर पे गए थे। और तुमको पता है, शायद ये एक गॉसिप फैल रहा था कि शायद दोनों की शादी वादी की बात चल रही है, इसलिए वो उसके पेरेंट्स से मिला है। पर मुझे लगता नहीं ये दोनों इतनी जल्दी शादी करेंगे, है ना? पता नहीं मैम, क्या पता, आज के टाइम में कुछ नहीं पता चलता। नहीं नहीं, लीजा का करियर जो एकदम आजकल बूम पर है, शादी वादी करके कहाँ वो अभी फैमिली मेंबर में फंसेगी। तो शादी करियर को कांट बी द रीजन, राइट? आई डोंट थिंक सो। ठीक है, इसके बारे में ना हम शो के बाद बात करेंगे, तो आगे बढ़ते हैं, ठीक है? खैर, ये दोनों जो भी करेंगे वो खबर हम दोनों आप तक पहुँचा ही देंगे। ऑफ कोर्स, वो खबर जल्द ही आप तक पहुँचेगी। सो फ्रेंड्स, टाइम फॉर आवर कोरियन Quiz. तो जल्दी जल्दी ये बताइए कि I like you को कोरियन लैंग्वेज में क्या बोलते हैं? और आपके पास तीन ऑप्शन है, 3, ओके? ओके, तो पहला ऑप्शन है छुआ हामनेदा, दूसरा ऑप्शन है बोगो शिप सामनेदा, तीसरा ऑप्शन है सारंग हामनेदा। अपने जवाब हमें जरूर लिखकर भेजिएगा, और हाँ, हमें ये जरूर बताइएगा कि आप किस तरह की खबरें देखना चाहते हैं। उन खबरों को हम अपने शो में इंक्लूड करने की पूरी कोशिश करेंगे। बट इसको नहीं इंक्लूड करेंगे नेक्स्ट टाइम, कि बहुत गड़बड़ करती है। ओके, बाय। इसी शो के साथ बाय बाय। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।